भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और विश्व का चौथा। रोजाना लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग रेलवे से सफर करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सफर के दौरान जो जंक्शन, टर्मिनस और सेंट्रल स्टेशन होते हैं उसका क्या मतलब होता है? अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताते हैं कि इन सब का क्या मतलब होता है। दरअसल जब भी हम किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो सीधा ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन अगर हम नजर घुमाकर देखें तो स्टेशनों पर बहुत कुछ लिखा होता है। रेलवे स्टेशन को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला टर्मिनस, दूसरा सेंट्रल, तीसरा जंक्शन, चौथा स्टेशन। टर्मिनस स्टेशन या टर्मिनस वो स्टेशन जहां रेलवे ट्रैक्स समाप्त हो जाएं या उस स्टेशन के आगे कोई पटरी ना हो तो उस स्टेशन को टर्मिनस स्टेशन कहा जाता है। इस स्टेशन के बाद से रेल को उसी दिशा में जाना पड़ता है जिस दिशा से वो ट्रेन आई हो, जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, हावड़ा टर्मिनस या बांद्रा टर्मिनस। इस तरह से भारत में कुल 27 टर्मिनस स्टेशन हैं। वहीं बात अगर रेलवे जंक्शन की करें तो वो स्टेशन जहां 2 या 2 से अधिक रेलवे मार्ग होते हैं उसे जंक्शन कहा जाता है। मतलब कि इस स्टेशन पर एक रेल को जाने के लिए कम से कम 3 मार्ग होते हैं, यानी कि एक साथ 2 रास्तों से भी आ जा सकती है, जैसे कि गोरखपुर जंक्शन, लखनऊ जंक्शन या फिर और कई सारे। वहीं सेंट्रल स्टेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो देश का सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन हो। सेंट्रल स्टेशन आमतौर पर बहुत बड़ा होता है और कई ट्रेनें यहाँ से रोजाना आती जाती हैं। ये जरूरी नहीं कि किसी शहर में एक से अधिक स्टेशन हो, जैसा कि भारत की राजधानी दिल्ली का कोई सेंट्रल स्टेशन नहीं है। भारत में कुल 5 सेंट्रल स्टेशन है। पहला तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, दूसरा कानपुर सेंट्रल, तीसरा मैंगलोर सेंट्रल, चौथा मुंबई सेंट्रल और 5वां चेन्नई सेंट्रल। अगर बात स्टेशन की करें तो ऐसा स्टेशन जहां ट्रेन आती है, यात्रियों को उठाती है और फिर अगले स्टेशन के लिए रवाना हो जाती है, उस जगह को स्टेशन कहा जाता है। तो इस तरह से 4 मुख्य तौर पर रेलवे स्टेशनों को बांटा गया है। वही अगली बार जब आप रेल यात्रा करें तो वहां पर नोटिस करें कि वो रेलवे स्टेशन आखिर कौन सा है। डी3 न्यूज़।